गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कामायनी पढ़ रहे थे और कामायनी का श्रद्धा सर्ग हम पढ़ चुके थे और आपके सिलेबस के अनुसार अब हमें इड़ा सर्ग का अध्ययन करना है। इड़ा सर्ग का अध्ययन करने से पूर्व कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। श्रद्धा सर्ग और इड़ा सर्ग के बीच 5 सर्ग और आते हैं, जिनमें है काम, वासना, लज्जा, कर्म और ईर्ष्या। तो लज्जा सर्ग शुरू करने से पूर्व इन 5 सर्गों के विषय में जान लेना आवश्यक है, तभी हम आगे की कथा को समझ पाएंगे। अब जैसा कि हमने श्रद्धा सर्ग में पढ़ा था कि जो मनु है, श्रद्धा सर्ग से पूर्व की कथा और श्रद्धा सर्ग की कथा ये थी कि जो मनु है वो जल प्लावन की घटना के बाद अकेले हैं, नितांत अकेले हैं और उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, और उनकी मुलाकात तभी श्रद्धा से होती है। श्रद्धा एक ऊर्जावान खूबसूरत युवती है, वो मनु को प्रेरित करती है कर्म क्षेत्र में पुनः आगे बढ़ने के लिए, और उसकी बातों से मनु के हृदय में नई बातों का संचार होता है और एक उत्साह का संचार होता है उनके हृदय में, और वो कर्म क्षेत्र की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ तक ये थी श्रद्धा सर्ग की कहानी। तो आगे क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चूँकि जो श्रद्धा है वो अपनी मधुर मादक प्रेरणादायी वाणी द्वारा जीवन से निराश मनु के हृदय में आशा का संचार करती हैं और उन्हें कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये थी इतनी थी श्रद्धा सर्ग की कथा। और काम सर्ग में, यानी कि काम, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जो श्रद्धा है वो काम की पुत्री हैं। तो यहाँ पर काम की क्या भूमिका है? काम यानी कि इच्छा, वो इच्छा जो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। काम सर्ग में मनु उसी नई आशा के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनके हृदय में प्रणय यानी कि प्रेम की कोमल भावनाओं का उदय होता है। काम सर्ग में यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मानव को प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या होता है? प्रवृत्ति यानी कि गृहस्थ जीवन और निवृत्ति यानी कि जो सन्यासियों वाला जीवन होता है, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच का मार्ग अपनाने पर ही सुख और शांति मिल सकती है और इन दोनों की अति जीवन को विकलांग बना देती है। वासना जीवन में आवश्यक है परंतु संयमित और संतुलित रूप में। इस तथ्य को समझ लेने पर मनु इंद्रिय यानी कि सांसारिक जीवन को स्वीकार कर कर्म क्षेत्र में उतरने का निश्चय कर लेते हैं, और जो काम है वो मनु के हृदय में श्रद्धा को प्राप्त करने तथा कर्मरत होने की इच्छा जागृत करते हैं। तो ये कथा है काम सर्ग की। इसके बाद आता है वासना। मन में काम का उदय होने पर वासना के रूप में उसका स्वाभाविक विकास होता है। यानी कि पहले काम आएगा, काम का उदय होगा और उसके पश्चात वासना स्वाभाविक रूप से उदय होगी। श्रद्धा मनु साथ साथ रहते हुए गृहस्थी की आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। दोनों एक दूसरे के समीप होते हुए भी दूर बने हुए हैं। वो साथ साथ तो रह रहे हैं लेकिन एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। वो अभी बतौर पति पत्नी सहभागी नहीं बने हुए हैं। एक रात मनु श्रद्धा को अपने हृदय की बात बताते हुए कहते हैं कि वो अपना हृदय श्रद्धा को समर्पित करना चाहते हैं और उनका यह समर्पण श्रद्धा स्वीकार करे। श्रद्धा उनका समर्पण सहर्ष स्वीकार कर लेती है।
तो इस प्रकार कामोद्वेलित मनु श्रद्धा के समक्ष पूर्णतः आत्मसमर्पण करते हैं और बदले में यानी कि प्रतिदान में श्रद्धा मधुर क्रीड़ा मिश्रित चिंता के साथ मनु के प्रति समर्पित हो जाती है। तो इस सर्ग में यानी कि वासना सर्ग में वासना का बहुत ही मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद आता है लज्जा सर्ग। संयोग श्रृंगार में मनोभावों के स्वाभाविक विकास क्रम के अनुसार यानी कि श्रृंगार रस कहाँ पर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ प्रेम यानी कि रति का भाव होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो संयोग श्रृंगार यानी कि जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होगा तो वो संयोग श्रृंगार कहलाएगा। तो संयोग श्रृंगार में मनोभावों के स्वाभाविक विकास क्रम के अनुसार मन में वासना उत्पन्न होने के उपरांत लज्जा का उदय होता है, यानी कि श्रद्धा और मनु एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए हैं और उन दोनों ने एक दूसरे को अपने मन की बात बता चुके हैं और जो उनके बीच की शारीरिक दूरी है उस दूरी को कम करने के क्रम में लज्जा का उदय होना स्वाभाविक है। तो वासना लज्जा और रति के बीच उदय होने वाला मनोभाव है। तो जो वासना है वो लज्जा और रति के बीच में उदय होता है। लज्जा सर्ग में श्रद्धा की लज्जा की विचित्र और नवीन अनुभूति, उसकी जिज्ञासा और श्रद्धा लज्जा वार्तालाप द्वारा उस जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया गया है। प्रणयातुर नारी के हृदय में उत्पन्न होने वाली लज्जा और नारी जीवन में उसके स्थान को स्पष्ट किया गया है, यानी कि जो स्त्री किसी के प्रेम में है और उस प्रेम के फलस्वरूप जो लज्जा उत्पन्न होती है उसका नारी के जीवन में क्या महत्व है, इसका वर्णन हमें लज्जा सर्ग में मिलता है। इसके पश्चात आता है कर्म सर्ग। इस सर्ग में हम काम प्रेरित वासना की सक्रिय अभिव्यक्ति को देखते हैं, यानी कि काम का अर्थ केवल भोग विलास से नहीं है, काम यानी कि कर्म, यानी कि जब कर्म की इच्छा हमारे मन में पैदा होगी तो मनुष्य विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो इसी उसी की अभिव्यक्ति, तो प्रेम के फलस्वरूप जो वासना पैदा होती है और उसके फलस्वरूप जो कर्म, काम के फलस्वरूप जो कर्म कार्य करने की प्रवृत्ति मनु के मन में पैदा होती है भविष्य को लेकर, तो उसका वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। काम मनु को कर्म करने के लिए प्रेरित कर चुका है और श्रद्धा के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त मनु के हृदय में निरंतर काम का वही संदेश गूंजता रहता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो श्रद्धा है वो मनु को कर्म, निरंतर कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो इसी के फलस्वरूप बहुत दिनों से भूले हुए यज्ञ कर्म और पशु बलि आदि को करने में मनु पुनः जुट जाते हैं। और जो कर्म सर्ग है इस सर्ग में इन्हीं कार्यों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त इस सर्ग में श्रद्धा और मनु का शारीरिक मिलन हो जाता है। यज्ञों में की जाने वाली हिंसा का इसमें विरोध है और व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर सार्वभौम कल्याण की चिंतन भावना को मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक बताया गया है, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उस स्वार्थ से हटकर मनुष्य को इस संसार के लिए कर्मरत रहना चाहिए, इस बात पर यहाँ कवि ने बल दिया है। इसके बाद आता है ईर्ष्या सर्ग। अब चूंकि ईर्ष्या एक सहज प्रवृत्ति होती है, एक मनोभाव है, तो पुरुष का बड़ा विचित्र स्वभाव होता है, वह नारी के प्रेम पर अपना पूर्ण अधिकार चाहता है और यह चाहता है कि वह सदैव उसे वैसा ही उत्तेजना पूर्ण और वासना से युक्त प्रेम करती रहे जैसा कि प्रथम आत्मसमर्पण के समय करती आई है, जैसा वो शुरू से करती आई है और जीवन भर उसे उसी तरह के प्रेम की आकांक्षा रहती है। किंतु नारी प्रेमिका के साथ साथ जननी भी होती है, एक माँ भी होती है और दंपति, और जो पुरुष होता है
वो दम्भी है, चंचल है, और इस विभाजित ममता को स्वीकार नहीं कर पाने के कारण उसका मन ईर्ष्या से भर उठता है। तो ईर्ष्या सर्ग में मानव मन की इसी दुविधा का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। तो ईर्ष्या सर्ग में मनु के अंदर की जो दुविधापूर्ण स्थिति है उसका वर्णन हमें दिखाई देता है। जो श्रद्धा है वो गर्भवती हो चुकी हैं, और जो मनु है, मनु दिन रात जंगलों में भटकते रहते हैं, और श्रद्धा अपने लिए कुटिया बनाती है, और मनु को उस कुटिया में जब लाकर दिखाती है और अपनी इच्छाएं बताती है कि अपने भावी संतान के प्रति वो इस कुटिया में क्या क्या कर सकती है, तो इस कारण जो मनु है उनके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। क्योंकि एक पुरुष होने के नाते, एक मानव होने के नाते, उनके उनका जो मन है वो श्रद्धा के प्रेम को किसी भी तरह से बांटने के लिए तैयार नहीं होता। तो इस वजह से उनके मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, और इसी इन्हीं मनोभावों का वर्णन ईर्ष्या सर्ग के अंतर्गत किया गया है। तो भावी संतान के प्रति जो मनु है उनके मन में संदेह पैदा होता है, और जो श्रद्धा है वो वात्सल्यमयी बातें, ममता से भरी हुई बातें जब मनु से कहती है अपने भावी संतान के प्रति, तो मनु उत्तर में कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम तो उस शिशु में अपने स्नेह का साकार रूप देख प्रसन्न रहोगी, परंतु मैं अपनी शांति के लिए वन वन भटकता फिरूंगा, और तुम भावी संतान के प्रति ममता से ओतप्रोत हो, मेरी उपेक्षा कर रही हो, मैं इस जलन को सहन नहीं कर सकता हूँ, और मैं अकेला ही तुम्हारी प्रेम का अधिकारी हूँ, और तुम पुत्र के नाम पर मेरे प्रेम के एकाधिकार को खंडित कर देने का षड्यंत्र रच रही हो। मैं भिखारी नहीं हूँ जो तुम्हारे प्रेम के दान को स्वीकार करूँ। और ऐसा कहते हुए जो ईर्ष्या से पीड़ित मनु है वह वहाँ से चल देता है, और जाते हुए वह श्रद्धा से कहता है कि ये जो सुख भरी कुंजे हैं वो तुम्हें मुबारक हो, तुम अपने सुख में मस्त रहो, और मैं स्वतंत्र होकर दुख भोगता रहूं, मेरे लिए यही अच्छा है, इसीलिए मैं आज तुम्हें छोड़कर सदैव के लिए जा रहा हूँ। और जो श्रद्धा है वो व्याकुल हो गुफा के द्वार पर खड़ी उन्हें पुकारती ही रह जाती है। तो यहाँ पर ईर्ष्या जो सर्ग है वो समाप्त होता है, और इसके साथ ही इड़ा सर्ग का आरंभ होता है। तो इड़ा सर्ग में हम ये देखते हैं कि जो ईर्ष्या से दग्ध मनु है वो श्रद्धा को छोड़कर चले गए हैं, और श्रद्धा कातर वाणी से उन्हें पुकारती रह जाती है। और श्रद्धा को छोड़कर चले जाने के बाद जो मनु है वो लक्ष्यहीन पथिक यानी कि यात्री के समान अशांत बने इधर उधर भटकते रहते हैं, और भटकते भटकते उजड़े हुए सारस्वत नगर के पास पहुंचते हैं। यहाँ सरस्वती नदी के तीर पर विश्राम करने बैठ जाते हैं, और उजड़े हुए सारस्वत नगर को देख वह अपने जीवन के संबंध में विचार करते हैं, और यह सोचते हैं कि उनका जीवन सदैव ही संघर्षों से घिरा हुआ है, आक्रांत रहा है। मनुष्य स्वयं भयभीत रहता है और दूसरों को भी भयभीत करता है।